तो चेन्नई वर्सेस हैदराबाद की टीम का है ये मैच। स्टेडियम है दिल्ली का और इस बार का जो इंडियन टी20 टूर्नामेंट है उसमें पूरी की पूरी जो सीरीज़ है कोई भी टीम जो है अपने होम ग्राउंड में मैच नहीं खेल रही है, तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी मुझे। फ़िलहाल यहाँ पर टॉस हो चुका है और जीत भी चुके हैं हम हर बार की तरह, और वैसे हर बार की तरह तो नहीं कहा जा सकता, बीच में अभी वो फेज़ भी आया था जब काफ़ी ज़्यादा हम टॉस हारे थे। अच्छा, वो फेज़ तो मैंने ऐसे कहा जैसे ये काफ़ी लंबा दौर चला था, पर ठीक है, फ़िलहाल वो भी एक बीच में कुछ 5-6 मैचेस का समय आया था जब हम लगातार हर मैच में विराट कोहली की उस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाली सीरीज़ की तरह हम टॉस हारे ही जा रहे थे। और ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और फॉर्मेट जो कि हमारा रहा करता है जब भी हम टॉस जीतते हैं, तो जैसे कि आज के इस मैच में हमने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया बॉलिंग का फैसला। यहाँ पर बैटिंग करने जॉनी बेस्टो और जेसन होल्डर, ये हैदराबाद की टीम की तरफ से ये दोनों ओपनर्स आ चुके हैं। फुल लेंथ की ये पहली बॉल रखी हमने इस ओवर की, ये दूसरी बॉल भी फुल लेंथ पर, और ओ हो हो, ये कमाल की बॉल थी और विकेट ये कमाल का था। क्योंकि अगर हम जो लोग काफ़ी समय से मेरी वीडियोस देख रहे हैं या हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस भी अगर जिन्होंने देखी होगी तो मालूम होगा कि WCC2 में या WCC3 में भी अब तो हम इस टाइप के विकेट काफ़ी ज़्यादा लेने की कोशिश करते रहते हैं, और वैसा ही आज के इस मैच में भी हमने किया। फुल लेंथ की बॉल और आउट स्विंग होती हुई और कि उस पर ज़रा सा एक एज लगे और स्लिप का फील्डर एक कैच पकड़े, तो वो ही करने की हमने कोशिश की और बिल्कुल वो कर लिया। तो अब समय भी हो चुका था ऑटो प्ले का, वैसे तो पूरा ओवर वो ख़त्म नहीं हुआ था, पर जैसा कि हमने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ विकेट लेने के लिए ही हम कर रहे थे, तो विकेट हमने ले लिया। वो ओवर फिर हमने समाप्त किया उस ओवर को, मतलब पूरा नहीं पर ऑटो प्ले करके हमने उस इनिंग्स को पूरा ख़त्म किया। और कमाल की बॉलिंग वैसे की है, किसी भी बैट्समैन ने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा रन्स अगर किसी बैट्समैन ने बनाए भी हैं तो वो 28-29 रन्स बनाए हैं। किसी भी बैट्समैन ने कोई हाफ सेंचुरी नहीं लगाई। और ड्वेन ब्रावो, 3 विकेट इन्होंने लिए। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर निकलने वाला था मुँह से, पर ठीक है, कभी कभी वो स्लिप ऑफ टंग जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर पहली बॉल और लॉफ्टेड ये शॉट, और इस लॉफ्टेड शॉट के साथ ये कमाल की चीज़ हो गई, पहली ही बॉल पर बोल्ड हो चुके हैं फाफ डुप्लेसिस, और एक कोई विकेट कीपर, मतलब ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये हम बता नहीं रहे हैं, विकेट कीपर नहीं, एक कोई फील्डर चेन्नई की टीम का, जो भी चाहे आप गेम की बात करें या रियल मैचेस की बात करें, एक चेन्नई का फील्डर जो कि आपको लगता है कि यार ये तो कमाल का फील्डर है, और मतलब वो जो एक होता है कि हाँ ये तो कैच हो ही नहीं सकता था, उसको भी कभी जिस फील्डर ने कैच किया चेन्नई की टीम का, उसका आपको नाम बताना है। और ये सवाल जहाँ से उठा है वहीं पर जवाब था, जवाब मतलब कि जो हमें लगा। फिलहाल यहाँ पर सुरेश रैना भाई साहब आ चुके हैं और पहली ही बॉल पर उन्होंने चौका लगा दिया। फाफ डुप्लेसिस पहली बॉल पर वो आउट हो गए, बोल्ड हो गए, और सुरेश रैना ने आते ही पहली बॉल पर लगाया चौका। दूसरी ये बॉल और पॉइंट के फील्डर के ऊपर से शॉट लगाने की तो कोशिश की हमने, पर बहुत ही ख़राब वो निर्णय था हमारा, और उसी निर्णय के चलते वो बॉल डॉट हुई। पर फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अगली ही बॉल पर हमने निकाला एक खूबसूरत सा चौका और मिडॉन के फील्डर के ऊपर से, और ओ हो हो, ये तो बिल्कुल छक्का होना बनता है, और छक्का हुआ भी है। और इस छक्के के साथ अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए 137 रन्स, और अभी जस्ट सुरेश रैना आए हैं, कमाल की इनिंग्स खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल दिया है हैदराबाद की टीम के प्लेयर्स को। एक और लॉफ्टेड ये शॉट, टाइमिंग तो परफेक्ट थी, अगर कनेक्ट हुआ होता तो बिल्कुल ये जाता बाउंड्री के बाहर, पर हम पिचिंग इन लाइन वो तो हमें नहीं पता, पर इम्पैक्ट इन लाइन तो हुआ है, और इम्पैक्ट इन लाइन हुआ है इसका मतलब है कि विकेट ये जा चुका है। पर फिर भी क्योंकि हमारे पास DRS उपलब्ध था तो हमने इसलिए उसकी मांग की है, पिचिंग आउटसाइड ऑफ है, जैसा कि हमने कहा था कि पिचिंग इन लाइन के बारे में तो हमें नहीं पता, पर इम्पैक्ट इन लाइन है, और बिल्कुल यहाँ पर इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट सेटिंग और
ऑन फील्ड अंपायर का भी सही निर्णय और थर्ड अंपायर के पास वहां पर जाने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी थी क्योंकि हमने DRS की मांग की थी और फिर वो एक एक्शन रिप्ले हुआ जिसके बदौलत या जिसकी वजह से वहां पर कंफर्म हो गया कि हाँ भैया विकेट तो गया है और विकेट जा चुका है सुरेश रैना भाई साहब का। और सुरेश रैना भाई साहब ये हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, वो पहली बॉल पर वो जब उन्होंने चौका लगाया वो कमाल का गली के फील्डर के ऊपर से, तो उस बॉल पर जब चौका लगाया उन्होंने तब हमारे मुंह से निकल गया। तो अब जब विकेट भी गया तो कहना बनता भी है। और ये लग बिल्कुल नहीं रहा है हमारी कमेंट्री से कि हम किस टीम के मतलब किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, पर यकीन मानिए हम चेन्नई की तरफ से ही खेल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल विकेट तो दो जो गए थे वही दो विकेट गए हैं, पर सीन कुछ ऐसा है कि चेतेश्वर पुजारा जिनको कि चेन्नई की टीम ने लिया था उनको आज तक हमने चेन्नई की टीम की तरफ से खेलते नहीं देखा एक भी मैच इस साल या इस सीज़न जो भी आप कहें। पर अगर इस गेम की बात करें तो 11 बॉल पर 8 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और अंबती रायडू हैं स्ट्राइकर एंड पर, और 21 बॉल पर 25 रन यहां पर फिलहाल परफेक्ट टाइमिंग है। और डबल लेने की कोशिश स्प्रिंट किया है हमने और बिल्कुल पहुंचेंगे, 22 बॉल्स पर 27 रन्स बना चुके हैं अंबती रायडू और पीछे की तरफ ये शॉट सिर्फ एक सिंगल ही मिलेगा और बिल्कुल ओहो ये कमाल की डायरेक्ट हिट थी। वैसे तो हम वहाँ पर पहुँच गए थे पर थ्रो अच्छा होना ये भी ज़रूरी है। और यहाँ पर फिलहाल एक और शॉट हमने निकाला है, इस बार पॉइंट के फील्डर के ऊपर से निकाला है पर क्या कमाल निकाला है। और इसी के साथ एक और बाउंड्री और एक और चौका मिलता हुआ, पर इस बार चेतेश्वर अरविंद पुजारा ने लगाया है ये चौका, तो ये थोड़ा सा कमाल का लगा भी है देखने में। और 7 ओवर हो चुके हैं, 7 ओवर का ये मैच हो चुका है। चेन्नई की टीम का स्कोर है 56 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। अंबती रायडू हैं स्ट्राइकर एंड पर, 28 रन्स उन्होंने बनाए हैं। समय यहां पर हो चुका है एक और ऑटो प्ले का, 95 रन्स चाहिए जीत के लिए। और चेतेश्वर पुजारा 25 बॉल पर 18 रन बनाकर विकेट जा चुका है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अंबती रायडू जो एक अच्छी खासी इनिंग्स खेल रहे थे वो अभी भी मौजूद हैं। और ये कितनी ख़राब फील्डिंग, ये ख़राब नहीं इसको बहुत ही बेकार फील्डिंग कहा जाएगा। और ये कोई फील्डिंग थी मतलब वो बगल बगल बिल्कुल वो जो फील्डर था वो बॉल के साथ साथ दौड़ रहा है, मतलब जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि ये एक और ख़राब फील्डिंग हो चुकी है और बैक टू ख़राब फील्डिंग्स। और कितनी ख़राब ये फील्डिंग हो रही है इसका बिल्कुल एग्जांपल नहीं दिया जा सकता, किसी चीज़ के रेफरेंस में नहीं कहा जा सकता। बस एक चीज़ कहा जा सकता है कि एक ख़राब फील्डिंग के बाद ये दूसरी ख़राब फील्डिंग भी कर दे रहे हैं कि मतलब बता के दिखाओ कि कौन सी वाली फील्डिंग ज़्यादा बेकार थी। पर ठीक है, यहाँ पर इसी के बीच अंबती रायडू ने लगा दिया एक, अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, अर्धशतक ये पूरा, 40 बॉल पर 53 रन्स। और ओ हो एक और शॉट निकाला और क्या कमाल का ये शॉट, 53 रन्स यहाँ से अब हमें चाहिए जीत के लिए। और समय कुछ ऐसा हो रहा है कि एक और ऑटो प्ले का समय हो चुका है, तो 3 बॉल बची हुई है इस ओवर की। अब सोच ये हम रहे हैं कि इस ओवर की जो बची हुई 3 बॉल हैं उसको किया जाए डॉट और फिर ऑटो प्ले के बाद कुछ रन्स छोड़ देते हैं। यहाँ पर फिलहाल सामने की तरफ हमने ये शॉट लगाया, फील्डर वहाँ पर मौजूद था जिसने डाइव लगाई, तो एक अच्छी खासी वो डाइव और रन रोका वहाँ पर, एक सिंगल तो रोका ही फिलहाल। और 13 ओवर का ये मैच जो है हो चुका है, 98 रन्स बनाए हैं चेन्नई की टीम ने अभी तक 3 विकेट के नुकसान पर। और समय हो चुका है एक और ऑटो प्ले का, तो देखते हैं। फिलहाल तो 53 रन्स चाहिए जीत के लिए हमारी टीम को और उस ऑटो प्ले के बाद स्कोर है 133 रन्स 3 विकेट के नुकसान पर। अंबती रायडू है स्ट्राइक, ओहो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं अंबती रायडू, 56 बॉल्स पर 66 रन्स। और ये कमाल का शॉट था, एच निशांत ने लगाया है ये छक्का और पीछे की तरफ गुड टाइमिंग के साथ। और जैसा कि हमने कई बार बताया कि बॉल की पेस को यूज़ करते हुए बस ज़रा सा वो कट और उस कट के साथ बॉल पीछे की तरफ चलती गई और एक और शॉट इसी के बीच। और वैसे तो ये कैच हो सकता था
और कई बार हमने इस गेम में या WCC3 की वीडियोस की बात करें तो उसमें भी हमने कई बार मतलब खुद की टीम को भी और ओपोनेंट टीम को भी इतने ज़्यादा कमाल के कैचेस लेते हुए देखा है। पर फिलहाल यहाँ पर इन सब के बीच एक और चौका लग चुका है। उस वाली बॉल पर तो कोई विकेट मतलब कैच हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है विकेट नहीं मिला हैदराबाद की टीम को, और एक और चौका लगा दिया है निशांत ने। अब सिर्फ और सिर्फ एक और चौका चाहिए हमें जीतने को। सामने की तरफ ये शॉट, सामने की तरफ नहीं ऑब्वियसली मिड विकेट के रीजन में ही हमने शॉट लगाया, वहाँ ऊपर फील्ड जो बनी रहती है वहाँ पर आप देख सकते हैं। पर फिलहाल सीन कुछ ऐसा हो गया कि अंपायर ने आउट दे दिया, और लगता तो हमें भी यही है कि शायद वहाँ पर एज लगा है, क्योंकि वो बॉल बिल्कुल मतलब पढ़कर अंदर आई थी और उसके बाद हमने शॉट जो खेला वहाँ पर बैट के एज से वो बॉल बाहर गई, तो शायद वहाँ पर एज लगा। और बिल्कुल एज लगा है यहाँ पर एज, निशांत काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, 40 रन्स वो बना चुके थे, पर अब विकेट जा चुका है एच निशांत का, आउट यहाँ पर, और अंपायर का सही फैसला था, बिल्कुल ऑन फील्ड अंपायर अपने डिसीजन पर बिल्कुल पूरी तरह से सही निकले। यहाँ पर फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी आए हैं और आखिरी ये बॉल, चौका चाहिए जीत के लिए, और ओ हो कमाल के महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि हमने रियल मैचेस में भी उनको कई बार देखा है छक्का लगाकर मैच ख़त्म करते हुए। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ एक चौके की ही रिक्वायरमेंट थी, चौके की ही ज़रूरत थी, पर छक्के के साथ ख़त्म किया है महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच को, और चेन्नई 6 विकेट के साथ इस मैच को जीत चुकी है। कमाल का ये मैच, कमाल की ये टीम है, और मैन ऑफ द मैच बिल्कुल अंबाती रायडू, 66 रन उन्होंने बनाए थे 56 बॉल्स में, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पर अच्छी इनिंग्स थी ये।